अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं नान खताई, जो बिल्कुल प्योर देसी स्टाइल में अपने रिवायती अंदाज में बना रहे हैं। और इसके लिए हमें चाहिए एक कप चीनी, ये पीस लें, एक कप मैदा, दो टेबलस्पून बेसन, एक कप घी, एक टेबलस्पून सूजी और ये गार्निश के लिए थोड़े से पिस्ते कटे हुए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले चीनी में घी डालेंगे। ये घी डाल दिया, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। अब ये मैदा एक कप, इसमें ये मैं दो टेबलस्पून बेसन डाल रही हूँ, वन टेबलस्पून सूजी, इसको छान लिया। अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी। अब एक ड्राई मिक्सचर में मैदा, बेसन और सूजी, और ये मैं बताना भूल गई थी आपको, इसमें बेकिंग पाउडर भी जाएगा। ये मैं वन टीस्पून हीप ले रही हूँ इस तरह से। अब ये घी और चीनी जो मिक्स किया था, इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इस मिक्सचर की ये डो बना लेंगे। अब ये डो हमारी बन चुकी है और देखें इस तरह से नरम होगी। और इसको मैं अब फ्रिज में रखूंगी 20-25 मिनट के लिए, फिर ये सेट हो जाएगी, फिर हम इसकी नान खताइयां बनाएंगे। ये 25 मिनट के लिए फ्रिज में मैंने डो रखी थी और अब ये देखें सेट हो गई है। ये अब इसकी ये बॉल्स बना लेंगे, छोटे छोटे पेड़े बनाए इस तरह बना के, और इसको दबा के प्रेस करने की जरूरत नहीं है, बस ये इसी तरह पेड़े की तरह इसको रख दीजिए, अपनी शेप खुद बनाएगी इस तरह से। हल्का सा ये थंब से या उंगली से इस तरह कर दें और ये एग वॉश कर दें। और ये देखें ये, और थोड़े से कटे हुए पिस्ते इस तरह डालें ऊपर, और इस तरह से अब मैं सारी बना लूँगी। ये अब मैंने ओवन 10 मिनट पहले से प्री हीट कर लिया था और अब ये मैं इसको रख रही हूँ, गैस ऑन है मेरा। बिस्मिल्लाह, नान खताइयाँ मैंने ओवन में बेक होने के लिए रख दी हैं, वो इंशाल्लाह अभी 15 मिनट में तैयार हो जाएंगी। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर पतीले में बेकिंग करनी है तो इसको इसी तरह से 10 मिनट पहले इसको प्री हीट कीजिए और फिर इस तरह का ये प्याला रख दें पहले, फिर प्री हीट करें। इतना इतनी हाइट को, इससे थोड़ी सी कम हाइट होगी तब भी चलेगा, प्याला हो इतना बड़ा, स्टील का, सिल्वर का, प्लेट हो, कुछ भी हो, उसको इस तरह रखें इस तरह, और इस तरह इस पर नान खताइयाँ रख दें और इसको कवर कर दें। और फिर इसी तरह से इसको 15 मिनट बाद, 16 मिनट बाद चेक कर लें, नान खताइयाँ तैयार होंगी। देखिए हमारी नान खताइयाँ बेक होके तैयार हैं बिल्कुल माशाल्लाह से, कितना अच्छा कलर आया है। ये भी देखिए ये, और ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह से। ये देखिए मैंने गैप से रखी थी ये, और ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, बहुत ज़्यादा मैंने पास रख दी थी तो ये मिल गई हैं। आप ये गलती नहीं करिएगा, थोड़ा इतना ही गैप से रखिएगा फिर ये सही बनेंगी। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।